नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल यम्मी टेस्टी और लाजवाब रेसिपी शेयर करूंगी। आज मैं आप लोगों के साथ पनीर बटर मलाई की रेसिपी शेयर करूंगी और लच्छा पराठे की रेसिपी शेयर करूंगी। लच्छा पराठा इतना टेस्टी और यम्मी बनेगा और बिल्कुल प्लेन नहीं बनेगा, बिल्कुल स्पाइसी लच्छा पराठा बनाऊंगी। जो मैं लच्छा पराठा बनाऊंगी बिल्कुल ऐसे उसके लच्छे आएंगे और ये आप तोड़ के भी देखोगे बिल्कुल ऐसे परत खुलेगी। तो आइए चलती है यम्मी टेस्टी रेसिपी बनाते हैं। लच्छा पराठा बनाने के लिए सबसे पहले मैं आटा लगाऊंगी। ये मैंने 3 कटोरी आटा ले रखा है। इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी, हल्का सा नमक डाल करके इसको मिला करके इसको अच्छे से मिला लेंगे और इसको मैं बिल्कुल एकदम रोटी वाला सॉफ्ट डो लगा के रख लूँगी। इसको मैं लगा के आधे घंटे पहले रख दूँगी तो आटे को अपना रेस्ट टाइम मिल जाएगा, तो आटा हमारा बन के अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा फूल के। ये हमारा बिल्कुल सॉफ्ट डो बन के तैयार हो गया। ये बिल्कुल रोटी वाला डो बनेगा। इसको मैंने बना के तैयार कर लिया। इसको आटे को अपना रेस्टिंग टाइम कम से कम 15 से 20 मिनट चाहिए ही होता है। अगर 15 से 20 मिनट आटे को रेस्टिंग टाइम दोगे तो रोटियां अच्छी बनती है, रोटी पराठा कुछ भी बनाओ। मैं इसको एक रख करके इसको रखूंगी और इसमें मैं थोड़ा सा तेल लगाऊंगी। तेल नहीं, मैं देसी घी लगाऊंगी इसमें, क्योंकि इससे रोटियां मुलायम बनती हैं और आटा भी काला नहीं होता है। इसको लगा करके अच्छे से और मैं इसको बंद करके रख दूंगी। हमारा आटा रेस्ट हो जाएगा, तब तक मैं और काम करूंगी। हमारी मजेदार चटपटी सब्जी तैयार हो गई। इसके साथ हम लच्छा पराठा बनाएंगे। लच्छे पराठे के लिए हम पेड़ा बड़ा लेंगे, रोटी से काफी दुगने साइज का पेड़ा होगा, रोटी से बिल्कुल इतना बड़ा पेड़ा लेंगे और इसको रोल करेंगे। इसको मैं बड़ी सी रोटी बना लूंगी, बिल्कुल चकले की साइज की रोटी बनाऊंगी। इसमें सूखा आटे की जरूरत तो नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने घी लगा रखा है। ये बिल्कुल ऐसे ही रोल हो जाएगी। गोल जरूरी नहीं है कि बिल्कुल गोल ही बने, आप इस रोटी को रोल कर लो। इसको आपको अपने हाथों से बहुत अच्छी तरह पूरे रोटी में इसको फैलाना पड़ेगा। ये मैं काला नमक है, ये सब कुछ डाल के आपको अपने हाथों से फैलाना ही पड़ेगा इसको। चाट मसाला, ये बिल्कुल मजेदार रेसिपी बनेगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट से भी अच्छा बनेगा। ये सब कुछ अच्छे से मिलाने के बाद ये बिल्कुल पूरी रोटी में मैंने इसको फैला रखा है। भुना जीरा पाउडर और ये फिर हमने लहसुन को बारीक ग्रेट करके रखा हुआ है, इसको मैंने डाला। इसको आप अगर चाहो तो वैसे भी चाय के साथ खा सकते हो आराम से, सब्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसको अब मैं रोल करूंगी, आपको मैं रोल करना बताऊंगी ये कैसे रोल होगा। एक किनारे से हम इसको उठाएंगे, ऐसे इसकी पतली पतली प्लेट बनाते जाएंगे, ऐसे प्लेट ये बनती जाएगी ये। और जो आपका नीचे कॉर्नर का पोर्शन बचेगा उसको आप नीचे करके बिल्कुल एक सेम ऐसा सा बॉर्डर बना लो। इसको हाथों से बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करना है, लेकिन हल्का हल्का प्रेस करना है। इसको अच्छे टाइटली रोल करते जाएंगे अपने पराठे को, हम ऐसे रोल करते करते पराठे को अच्छे से बिल्कुल ये ऐसा गोल सा पराठा बन जाएगा। ये जो हमारा एंड बजेगा इसको हम थोड़ा सा टाइटली खींच करके इसको नीचे ले जा करके और इसको फोल्ड कर देंगे और हल्के हाथों से हम अपने पराठे के लच्छे को ऐसे ऐसे फैलाते रहेंगे। बिल्कुल बहुत टाइट हाथ नहीं करना है इसमें, नहीं तो फिर लच्छे खुलेंगे नहीं जब पराठा सीखेगा तो हमारा, इसलिए बिल्कुल हल्के हाथों से। ये पराठा बहुत पतला नहीं बनेगा इसलिए हम इस पे बेलन भी बहुत हल्के हाथों से चलाएंगे। अगर आप घी अच्छी तरीके से लगाओगे तो आप देख रहे हो कि ये पराठा बिना सेके ही इसके लच्छे खुल रहे हैं। ये बिल्कुल हल्के हाथों से बेलन चलाते हुए, अगर आपको बड़े साइज का पराठा बनाना है तो आपको अपने रोटी का पेड़ा बड़ा लेना पड़ेगा। और अब मैं इसको सेक के दिखाऊंगी। मैंने पैन को पहले से ही गर्म कर रखा है। इसको सेकने के टाइम एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा, जो हमारे मसाले की साइड है ये ऊपर को आएगी, जो मसाले की साइड नहीं है वो नीचे को जाएगी। अगर हम पहले ही मसालों का साइड नीचे डाल देंगे तो पराठा मसाले हमारे जल जाएंगे। बिल्कुल मैंने पराठे को रोल करते समय बिल्कुल सूखा आटा नहीं लगाया है, इसलिए आपको इसमें देसी घी लगाओ, बटर लगाओ, आपको रिफाइंड को तो मैं तो कहूंगी कि रिफाइंड मत लगाओ, लेकिन अब आपके इसको मैं पलटूंगी अच्छे से।
ये बहुत करारे सिकते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इसमें मैं देसी घी, ऊपर से भी देसी घी लगाऊंगी। अच्छी तरह से लगा के देसी घी को हमको सेक लेना है इसको पराठे को अपने। ये हमारा पराठा बिल्कुल करारा सिक चुका है, आप ये देख सकते हो इसमें कितनी परतें आई हैं। ये तो अभी उल्टे साइड है, मैं आपको और पलट के दिखाती हूँ। इतना तो मार्केट का भी बढ़िया पराठा नहीं बनेगा जितना ये देखो, इसकी आप परतें गिनो बिल्कुल। हर घी का यही फायदा है कि अगर आप घी और बटर अच्छे से लगाओगे तो आपका एक एक परत इस पराठे की खुलती जाएगी और इतना ही एक खस्ता और क्रिस्पी पराठा बनता है, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। इसको मैं अच्छे से और सेक लूंगी। सेकते समय एक चीज का ध्यान रखना है, गैस को आपको स्लो रखनी पड़ेगी। अगर गैस आपने हाई रखी हुई है तो पराठा जल जाएगा और अंदर से बहुत अच्छा क्रिस्पी और खस्ता पराठा आपका नहीं सिक के तैयार होगा। एक मैं आपको और पराठा बना के दिखाती हूँ, ये इसको मैं दूसरी तरीके से रोल करूंगी। इसको मैंने दूसरी तरीके से रोल किया था, सेम वही प्रोसेस है, मैंने सब कुछ बड़े रोटी पे कर लिया। इसको यहाँ से हाफ से इसको कट करेंगे और इसको हम यहाँ से किनारे से उठाएंगे बिल्कुल यहाँ से धीरे से, और ये इसके किनारों को ऐसे ऐसे रोल करते जाएंगे अंदर को, बिल्कुल एक ही बिल्कुल तिकोन सा बन जाएगा हमारा अंत में। सेम जैसे मैंने पहले वाले पराठे में सब कुछ सेम किया था वैसे ही सेम सब कुछ तैयार किया हुआ है इसमें मैंने। ये बिल्कुल इसको घुमाते घुमाते एकदम एंड तक लेके आना है। ये हमारा तैयार हो गया। इसमें बस एक चीज को ध्यान रखना है, ये जो हमारा नीचे का पोर्शन है इसको खींच करके हमने यहाँ चिपका लिया, नीचे के पोर्शन को हमें दबाना नहीं है। इसको हम अंदर को ऐसे लेकर के आएंगे, ऊपर के पोर्शन को ऐसे हाथों से खोलते जाएंगे। ये भी बिल्कुल वैसा ही बन के तैयार होता है, बिल्कुल ऐसा देखो सेम ये पराठा ऐसे ही बन के तैयार होगा। इसको भी वैसे ही हल्के हाथों से रोल करेंगे और ये दो इसकी परतें दोनों तरफ से खुलेंगी, जैसे मेरे उस पराठे की खुली है वैसे इसकी भी दोनों तरफ से खुलेंगी। मैं आपको इसको सेक करके फिर दिखाती हूँ कि कितना बढ़िया पराठा बन के तैयार होता है। जरूरी नहीं है कि हर चीजें रेस्टोरेंट की ही अच्छी होगी, कुछ चीजें घर की भी बहुत अच्छी बनती है। इसको मैं सेक करके फिर आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है। बहुत पतला पराठा नहीं बनाना, इस चीज का आप ध्यान रखना है बस। ये हमारा पराठा तैयार हो गया, अब मैं दूसरा पराठा आपको सेक के दिखाती हूँ। बस पराठा डालते समय ध्यान रखिएगा कि जो आपने मसाला लगाया है वो पोर्शन आपको ऊपर रखना है, नीचे नहीं रखना उस पोर्शन को। ये जो पराठा जो मैंने दूसरी तरह तरीके से रोल किया था ये भी बिल्कुल अच्छा बन के और बिल्कुल हर एक परत इसके खुलेगी। अब बिल्कुल खस्ता पराठा बनता है, ये देखो एक एक परत इसकी खुलती जाएंगी। मैं इसको पलट के आपको दिखाती हूँ। बनाने का तरीका वही है, बस मैंने रोल करने का तरीका आपको बताया था। ये दोनों दो तरीके से रोल करके आराम से बना सकते हो। बिल्कुल करारा सेक लो, करारा आप तभी सेकना कि आपको तुरंत खाना हो। अगर आपको तुरंत नहीं खाना है तो आप इसको इतना ज्यादा करारा मत सेकना, नहीं तो ये कड़ा हो जाएगा फिर नहीं अच्छा लगता है। अब मैं आपको प्लेट करती हूँ फिर दिखाती हूँ। आप ये देख सकते हो ये हमारा मलाई पनीर दो प्याजा बनके तैयार हो गया और ये लच्छा पराठा बनके तैयार हो गया। ये बिल्कुल यम्मी टेस्टी रेसिपी है। आपके पराठे में थोड़ा टाइम लगेगा, सब्जी तो 5 मिनट की रेसिपी है, बहुत जल्दी बनती है। अगर रेसिपी पसंद आया आपको तो आप चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो। अगर मेरी कोई भी नई रेसिपी आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। और एक बार तो लाइक करो ही और इसको भी एक बार जरूर ट्राई करो, आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी।